हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी हम केदारनाथ से चल रहे हैं अपने घर की ओर दिल्ली। तो रास्ते में हमें दिखा है कि कुंड, जहाँ आप महादेव का नारा लगाएंगे तो बुलबुले उठते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक शॉट इनका, और उसके बाद निकलते हैं अपने घर की ओर। अभी गिरता तो चलते हैं घर की ओर, और रास्ते में तो कुछ ऐसा दिखाने लायक है नहीं, क्योंकि पहले आप सब कुछ देख चुके हैं। जो भी आपको दिखाने लायक होगा दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। और इस शॉट में, इस वीडियो में हम सीधा केदारनाथ टू दिल्ली होंगे। बाय बाय। तो चलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। जय शंभू बम बम बोले, बम बम बोले। सो हेलो एवरीवन, हम दोबारा से एक शॉर्टकट ले रहे हैं, बट मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप ये शॉर्टकट्स लें, वो भी ऐसे मौसम में बारिश के। लेकिन हमें थकान भी हो गई और हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं। ये हमारा रास्ता देखो, वहाँ निकलेगा सीधा। बट आप ऐसा शॉर्टकट ना लें, वो भी ऐसे मौसम में, अगर आपके पास टाइम है तो। हम ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो ये शॉर्टकट ले रहे हैं। अबे इतना क्यों मार रहे हो यार? फुल सेफ्टी के साथ घोड़ों पे बैठे हुए। हर हर महादेव। यात्रा का नाइट व्यू, अगर आप चाहो तो नाइट को भी ट्रैक कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की है इस मौसम में। तो आप नाइट को अगर ट्रैक करना चाहो तो गर्मियों में आना, अगर इस टाइम आना है तो दिन में ही करना चाहिए। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद। अरविंद, कहाँ से हो भी आप? केरला। हर कितने सालों से आ रहे हो आप? 4 साल। हर साल? हर साल। क्या टाइम रहता है आपका, मतलब चढ़ाई वढ़ाई का? चढ़ाई का 9 घंटा। हाँ,
9 आवर्स रहता है। कब आप ट्रैकिंग कब शुरू करते हो? अभी 6 बजे को किया। 6 बजे किया तो मतलब कितना टाइम लग जाता है पहुंचने में आपको? 9 आवर्स होगा, 12 बजे होगा। 12-2 बजे तक पहुंचोगे मतलब आप? हाँ। तो अलाउड होता है मतलब रात में ट्रैक करना? बारिश है तो अलाउड नहीं करते नीचे से आने में, रास्ता 20 में है तो अलाउड करते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी कोई वैसा खतरा तो नहीं होता है इधर रात में? नहीं, बारिश है तो प्रॉब्लम चलने में कुछ नहीं। अच्छा, बाकी आप कुछ सजेस्ट कर दो यार अपनी तरफ से। अरे वजन कम कर लो, बैग वगैरह कम करके लेकर आओ बस वही। तो आप कितना टाइम स्टे करते हो ऊपर? एक दिन पूरा। अभी आप मतलब जाओगे और आप कल वापस? नहीं, कल सुबह दर्शन, नाइट का आरती देकर फिर नाइट में निकलेंगे। अच्छा, फिर से आप नाइट में निकलोगे? हाँ। वहाँ से कितने बजे निकलोगे आप? वो कल बारिश है तो नाइट में ही सुबह में निकलेंगे, मतलब परसों सुबह में, नहीं तो नाइट में 12 बजे को। चलो बहुत ही बढ़िया भैया, थैंक यू भैया। आज यहाँ से ऊपर केदारनाथ जाने के लिए कोई भी ट्रैकर है ही नहीं। देखिए जैसे आप पीछे देख रहे हैं पूरा खाली है पूरा। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अपना हाईवे है ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए, वहाँ पे हुआ एक तगड़ा लैंडस्लाइड। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं वो लैंडस्लाइड। रुको रुको, देखने दो। ओ भाई, ओ भाई, ओ मेरे को भी दिखा दे। गाड़ी नहीं है? गाड़ी सब रुक गए, पीछे रुक गए होंगे गाड़ी में। एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ क्या सीन हुआ। देखो टी ब्रेक में क्या हो रहा है। ये सुबह के 3:30 और हम जा रहे हैं अपने दिल्ली की ओर। और ये देखिए आप लोग कैसे भीड़ जा रही है केदारनाथ की ओर। टैक्सी के लिए लंबी लंबी लाइनें और इतनी भीड़। सो अभी हम जा रहे हैं सोनप्रयाग से सीतापुर बस अड्डा, जहाँ से हमें बस मिलेगी हरिद्वार के लिए। तो इस टाइम आप देख सकते हो ये कैसे सुनसान रास्ता है। इस सामने से यात्री आ रहे हैं जो इस टाइम केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी हम चलते हैं बस पकड़ने। सो हेलो एवरीवन, बस में बैठते यार कब नींद आ गई, सीरियसली कुछ पता ही नहीं चला। तो ब्लॉग तो हो ही नहीं पाया, लेकिन हम 2 बजे हरिद्वार पहुंच गए थे। उसके बाद हमने होटल में चेक इन करा, फ्रेश अप हुए और निकल गए हर की पौड़ी। वहाँ हमने गंगा जी पे जोत जलाई और हरिद्वार की फेमस डिशेज ट्राई करी जो हर की पौड़ी के पास ही हैं एकदम। उसके बाद होटल जाके आराम किया, अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। फिर लॉग नहीं किया यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक दिन आराम भी ज़रूरी था। 4-5 दिन हो गए थे, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला था, हाथ में कैमरा ही कैमरा। तो हमारी केदारनाथ सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये केदारनाथ सीरीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।